हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार DLRS की कट ऑफ और रिजल्ट डेट के बारे में। कंफर्म न्यूज देने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से भर्ती निकली थी, जो सिर्फ एग्जाम बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों फाइनल दोस्तों इसमें एग्जाम हो गया है, एग्जाम को काफी टाइम हो गया है। इसकी यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कट ऑफ किया जाने वाली है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों जिन कैंडिडेट को यहाँ पर रिजल्ट डेट का वेट है और कट ऑफ जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो दोस्तों बने वीडियो के एंड तक। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों बिहार DLRS भर्ती में ये भर्ती निकली थी, एग्जाम बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। अब दोस्तों वेट है सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट का, यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों बात करें क्लर्क पोस्ट की, तो यहाँ पर 744 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई थी। एमिन पोस्ट में थी 8244, कनुंगो में थी 758 वैकेंसी, तो ASO में थी 355। फाइनली दोस्तों चार पोस्ट पर यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। जिन एग्जाम में दिए थे, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, वे सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में कंफर्म और ऑफिशियल डेट बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और पर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ कितने जाने वाली है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों सबसे पहले बात करें क्लर्क पोस्ट की, तो यहाँ कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई है। दोस्तों बात करते हैं जनरल में, तो जनरल में कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट यहाँ पर 95 से 100 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, उनका यहाँ पर 100% सिलेक्शन होने वाला है जनरल में। बात करें EWS की, तो EWS में यहाँ 85 से 95 के बीच यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है क्लर्क पोस्ट में। दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पर OBC कैटेगरी से आते हैं, उनके यहाँ पर कट ऑफ लगने वाली 80 से 85 के बीच। EBC से जो आते हैं कैंडिडेट, उनकी लगने वाली 78 से 80। ST वालों की 72 से 75, ST वालों की 68 से 70। दोस्तों क्लर्क पोस्ट में जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 60+ में है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 60+ में मार्क्स बन रहे हैं, उनका क्लर्क पोस्ट में 100% सिलेक्शन होने वाला है। अगर दोस्तों क्लर्क पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाले वो हाई जाएगी, तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर दोबारा से नई वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों बात करते हैं सेकेंड पोस्ट की। तो दोस्तों MN कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ MN पोस्ट की। दोस्तों जनरल में यहाँ पर जाने वाली है 55 से 58, OBC में 50 से 55, EBC में 40 से 50 और ST में 40 से 42 और SC में 42 से 45 के बीच यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों बात करूँ इस पोस्ट में सेफ स्कोर की, तो यहाँ पर 50+ में यहाँ पर सेफ स्कोर बन रहा है और SC और ST में यहाँ पर 40+ में यहाँ पर सेफ स्कोर बन रहा है। जिन कैंडिडेट के यहाँ पर ST और SC में 40+ में है, उनके यहाँ पर 100% सिलेक्शन होने वाला है। और EBC OBC और जनरल में जिनके यहाँ पर 50+ में मार्क्स हैं, उनके यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कुनिंगो कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बात करते हैं यहाँ पर जनरल की, कि जनरल में कुनिंगो पोस्ट की यहाँ पर कट ऑफ किया जाने वाली है। तो दोस्तों जनरल में 60 से 65, OBC में 50 से 60, EBC में 52 से 55 और SC में 48 से 52, ST में 45 से 48। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं 40+ to 60 तक बन रहे हैं, उनके यहाँ पर 100% सिलेक्शन होने वाला है कुनिंगो पोस्ट में। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले, जैसे यहाँ पर रिजल्ट आउट किया जाता है किसी भी पोस्ट में, सबसे पहले चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ASO पोस्ट की, यहाँ पर ASO पोस्ट में कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों जनरल में 75 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है, OBC में 72 से 75, EBC में 70 से 72, SC में 67 से 70 और ST में यहाँ पर 64 से 67 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। और बात करें DLRS में यहाँ पर कब तक रिजल्ट आउट किया जाएगा, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट है 25 सितंबर को यहाँ पर रिजल्ट आउट किया जाएगा। अगर 25 सितंबर को नहीं आता है तो 28 सितंबर को 100% DLRS में सभी पोस्ट पर रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट आउट किया जाएगा या रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी मिलती है
तो सबसे पहले चयन पर आपको अपडेट किया जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्यूचर में बिहार DLRS से AT जितनी अपडेट आएंगी, न्यूज़ आएंगी, तो सबसे पहले चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को कट ऑफ से AT को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है ये इतनी नहीं जाएगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, तो उससे 18 में से भी पर्सन बात कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो ले आऊँगा कन्फर्म न्यूज़ के साथ कि यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और दोस्तों एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि इसका रिजल्ट जो है 25 से 28 तारीख को 100% आ जाएगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो नेक्स्ट मंथ आपका 100% आ ही जाएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर फ्यूचर में बिहार DLRS से रिलेटेड न्यूज़ पाना चाहते हैं, वीडियोज़ पाना चाहते हैं, अपडेट पाना चाहते हैं, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर कर लेना।